हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ब्यूटी आर्ट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बिगनर मेकअप लुक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेकअप करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी स्किन केयर ज़रूर कर लें। मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये चीज़ें कभी भी स्किप नहीं करना है आपने। इन चीज़ों को करने से आपका मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा रहता है और आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहती है और मेकअप करने से आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होती। इसीलिए मेकअप करने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी आपने किस तरह से स्किन केयर करना है मेकअप से पहले। अब लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर को भी आपने स्किप नहीं करना है। मैंने प्राइमर लगा लिया है, अब मैं स्टार्ट करूंगी आईब्रो से। ब्राउन कलर से ही हमेशा अपने आईब्रो को फिल करना है, क्योंकि ब्राउन कलर से हमेशा आईब्रो नेचुरल लगती है और ब्लैक कलर से आपकी आईब्रोज जो है फेक लगेगी। ब्लैक कलर का आपने यूज़ तब करना है जब आपकी आईब्रोज में कोई कट लगा हो या आपकी आईब्रोज में कोई गैप हो, उसको फिल करने के लिए ही ब्लैक कलर का यूज़ करना है, वरना आपने ब्राउन कलर से ही अपनी आईब्रो को फिल करना है। मैं अपनी आईब्रोज को ब्राउन कलर के ब्राउनजर से फिल करूंगी। आप किसी भी ब्राउन कलर के आई शेडो से भी अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आईब्रो की शेप अच्छे से बनानी नहीं आती तो डोंट वरी, आपने ब्राउन कलर को वहीं पे फिल करना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी आईब्रो में थोड़ा सा गैप है या आपकी आईब्रोज में जो हेयर है वो हल्के हैं, वहीं पे आपने फिल करना है ब्राउन कलर को। मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज जो है नेचुरल लग रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बेस। बेस के लिए मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। आई मेकअप के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप आई बेस ज़रूर लगा लें। आई बेस लगाने से ये होता है कि आपका जो है आई मेकअप है वो ख़राब नहीं होता। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट ही यूज़ करना है, कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर आपने यूज़ नहीं करना है। काफ़ी लड़कियाँ ये गलती करती है कि वो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपना फाउंडेशन या कंसीलर ब्लेंड करती है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट ज़्यादा भी लगता है और आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा केकी भी लगता है। इसलिए हमेशा वेट ही यूज़ करना है, आपने ड्राई नहीं करना। कंसीलर और फाउंडेशन हमेशा टैप टैप करके ब्लेंड करना है आपने। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, अब बारी आती है इसे सेट करने की। सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर। कंसीलर को सेट कर लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी नायका की आई शेडो पैलेट। इस पैलेट से मैं लूँगी ये ब्राउन कलर। इस ब्राउन कलर को मैं आउटर लाइन पे लगाऊंगी। ये हमारी आउटर लाइन है, क्रीज लाइन। इस जगह पर मैं इस कलर को लगाऊंगी। इसी तरह से मैं दूसरी आईज पे भी लगा लूंगी। आपने ध्यान रखना है कि आप जब भी आई मेकअप करें उस टाइम आप अपने आई मेकअप में अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करें। जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना अच्छा लगेगा। मैंने कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, मैंने मैट कलर यूज़ किया है। अब मैं सेंटर आई लिड पर यूज़ करूँगी ये ग्लिटरी कलर। फिंगर टिप्स से ही मैं लगाऊंगी।
आप देख सकते हैं मैंने ग्लिटर कलर को सेंटर आईलिड पे लगा लिया है। आपने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं ले जाना है इस ग्लिटर कलर को, नहीं तो आपका आई मेकअप ख़राब भी हो सकता है। इसी तरह से मैं दूसरी आईज़ के सेंटर आईलिड पे भी ग्लिटर कलर को लगा लूँगी। मैंने आई शेडो लगा लिए हैं, अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। आपने देखा कि ये आई मेकअप कितना आसान है, आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। मैंने आईलाइनर लगा लिया है, अब मैं यूज़ करूंगी मस्कारा। मस्कारा का हमेशा दो कोट यूज़ करें, एक जब आप लगाए उसके बाद ड्राई होने दें, उसके बाद एक कोट और लगाएं, इससे आपको और भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आईलैशेस सूखने के बाद मैं दूसरा कोट और लगाऊंगी मस्कारा का, तब तक मैं यूज़ करूंगी काजल। अब हम स्टार्ट करेंगे फेस मेकअप। आपने चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने आई मेकअप पहले किया है और अब फेस मेकअप मैं इसके बाद करूँगी। वो इसलिए जब भी हम आई मेकअप करते हैं उस टाइम हमारे आई शेडो फॉल आउट हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा फेस का मेकअप भी ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैं फेस मेकअप बाद में कर रही हूँ। आप भी इसी तरह पहले आई मेकअप कर सकते हैं, उसके बाद फेस मेकअप कर सकते हैं, इससे आपका जो फेस मेकअप है वो ख़राब नहीं होगा। यूज़ करूँगी फाउंडेशन, फिंगर टिप से ही आपने फाउंडेशन लगाना है, ओवर फाउंडेशन कभी नहीं लगाना आपने। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से। इस मेकअप को आप इजीली कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता है तो आप इस मेकअप को ज़रूर ट्राई करें। सिंपल मेकअप है, बहुत इजीली आप इस मेकअप को कर सकते हैं। मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे सेट करूंगी कॉम्पैक्ट पाउडर से। फाउंडेशन को हमेशा सेट ज़रूर करें, अगर आप फाउंडेशन को सेट नहीं करेंगे तो आपका फाउंडेशन केकी हो जाएगा, और अगर आप गर्मी में मेकअप कर रहे हैं तो आपका सारा फाउंडेशन जो है मेल्ट होने लगेगा, इसीलिए फाउंडेशन यूज़ करने के बाद उसे सेट ज़रूर कर ले। मैंने फाउंडेशन को सेट कर लिया है, अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। ब्लश मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट से। अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप अपनी आई शेडो पैलेट से ही ब्लश लगा सकते हैं। ब्लश बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आपने ब्रश पे, ओवर नहीं लेना है, और इस तरह से आपने ब्लश को लगाना है। अगर आपको पता नहीं है कि ब्लश किस तरह से लगाना है, कितना लगाना है, तो आप ज़्यादा ना लगाए, हल्का सा ही ब्लश अपने चीक्स पे लगाए इस तरह से। अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर भी हम आई शेडो पैलेट से ही यूज़ करेंगे। हमारी आई शेडो पैलेट में हाइलाइटर कलर्स भी होते हैं, तो आपको अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आई शेडो पैलेट से ही हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर लगाने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं कि
चेहरा कितना ग्लोई लगता है, इसलिए आप हल्का सा हाइलाइटर ज़रूर लगाएं। अब इस मेकअप का लास्ट स्टेप है लिपस्टिक। अब हम यूज़ करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम ज़रूर लगाएं। मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की लिपस्टिक, शेड है 30M। अगर आपको लिपस्टिक नहीं लगाने आती या आप जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो आपकी लिपस्टिक ख़राब हो जाती है, तो इसके लिए एक इजी सा हैक है मेरे पास कि आप जब भी लिपस्टिक लगाएं तो आप पहले आउटर लाइन से ही लिपस्टिक लगाना स्टार्ट करें। इससे ये होता है कि आपकी लिपस्टिक ख़राब नहीं होती, आप आउटर लाइन से लगाते हुए ही अपनी पूरे लिप को फिल करें, इस तरह से आप कि जो लिपस्टिक है वो ख़राब नहीं होती। मैंने लिपस्टिक लगा ली है, अब मैं एक और मस्कारा का एक और कोट लगाऊंगी जो जिससे कि मुझे और अच्छे रिज़ल्ट मिले। ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।